अब इस बांसुरी को होल्ड कैसे करना है? पहले तो मैंने बताया था ब्लोइंग के लिए किसी भी तरह पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको बांसुरी को होल्ड कैसे करना है? अगर तो आप राइट हैंड है तो आपका लेफ्ट हैंड ये ऊपर वाले जो तीन होल्स हैं यहाँ पे आएगा। अगर आप राइट हैंड हैं जैसे मैं बैठा हुआ राइट हैंड, तो आपके ये होल्स जो आपकी जो सॉरी ये फिंगर है यानी हाथ जो है लेफ्ट ऊपर आएगा थ्री फिंगर पे, तो ये जो चीची है ये ओपन रहेगी और आप देख रहे हैं ये नीचे ये थंब नीचे थंब आएगा होल्डिंग के लिए, ठीक है, ग्रिप करने के लिए। तो उसके बाद ये जो आपका राइट हैंड है इसी तरह ये यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं आप, ये देखिए, और ये थंब नीचे आ जाएगा ये, और यहाँ पे ये थ्री फिंगर भी आ रहेंगे, और ये जो चीची है ये मैंने बताया था हवा में रहेगी और ये यहाँ पे टिकी रहेगी ताकि आपकी बांसुरी गिरे ना। तो बांसुरी को होल्ड करने का जो बेस्ट तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी बांसुरी गिरे ना। अगर ये मैं यहाँ पे ये चीची ना रखूँ तो तब क्या होगा, बांसुरी क्या होल्ड में रहेगी या नहीं, और अगर रखता हूँ तो या तो होल्ड में तब भी रहेगी नहीं, देखते हैं। तो पहले मैं आपको होल्ड में बताता हूँ ब्लोइंग करके। तो देखा आपने, अब मैं ये चीची उठाता हूँ, ठीक है, आप देखिए, अगर हम जाते जाते ये गिर गई, ठीक है, और ग्रिप नहीं हुई। तो जब मैं ये पॉइंटर चीची रखता हूँ तो तब बांसी गिरेगी नहीं,